स्क्रिप्ट वाचल्यावर वाचल्याबरोबरच कळलं की हे काय चीज आहे, त्यांनी सरांनी काय म्हटले असावी. आणि दर्शन आणि गोपालजींनी अतिशय सुंदर स्क्रिप्ट आणि अतिशय उत्तम संवाद लिहिलेले आहेत की लोटपोट होईल ऑडियन्स अशा टाईपचे जे संवाद आहेत. आणि जसं मी म्हटलं की सरांचं क्रेडिट आहे की सरांनी बरोबर स्क्रिप्ट निवडली. आणि मला असं वाटतं की ओ टी टीवर विशेषतः अशी फिल्म येणं महत्त्वाचं आहे. कारण जनरली ना ओ टी टी म्हटलं की एक थ्रिलर, हॉरर, कुठेतरी सेक्स किंवा मग खूप शिवीगाळ हा एक पॅटर्न होत चाललेला आहे. आणि लोकांना ओ टी टी म्हटलं की सगळ्यात पहिलं असं काहीतरी करावं असं वाटतं. आणि अगेन क्रेडिट गोज टू सुशीलजी की त्यांनी एकदम विपरीत सब्जेक्ट निवडला, कॉमेडी सब्जेक्ट निवडला जो पूर्ण फॅमिली एकत्र बघू शकेल. आणि आय एम शुअर की ही फिल्म सुद्धा फॅमिली पूर्ण एकत्र बघून जसं आपण वीकेंड एन्जॉय करू तशी ही फिल्म एन्जॉय करू शकतो. थँक्यू. जेव्हा कोणती फिल्म बनवतो आपण तेव्हा प्रोड्युसर असतो, डायरेक्टर असतो, ऍक्टर्स वगैरे तर असतातच, त्याच्याशिवाय ते फिल्म होणार. लाईन प्रोड्युसरचा एक फार मोठा एक त्याच्यात हात असतो. आणि नीरज, नीरजला मी बोलवतो इथे. नीरज आहे, मिस्टर नीरज. आता जिथे होते ट्रेलर वगैरे पाहून त्याच्या पोटात काही झालं असेल की अरे हा एवढं चांगलं झालं का. तर मिस्टर नीरज येतील आता. तर हा मिस्टर नीरज हे आमचे लाईन प्रोड्युसर आहे. यांचा एक फार मोठा हात आहे या फिल्मला कम्प्लीट करण्याकरता. कम्प्लीट म्हणजे प्रोड्यूस करण्याकरता. तर यांनाही मी तेवढाच क्रेडिट देतो जे की मी स्वतःला घेतो किंवा डायरेक्टरला देतो किंवा आर्टिस्टला देतो. थँक्यू व्हेरी मच. काशी सरांसाठी मला पहिला प्रश्न आहे की सर मूवी मध्ये चार गाणी आहेत बरोबर. आता आपण दोन दाखवणार आहोत पण आता ए साजना गाणं आपण पहिलं रोमॅन्टिक सॉन्ग दाखवलंय. मला तुम्हाला एक प्रश्न विचारायचा आहे की रोमॅन्टिक कॉमेडी मूवी, रोमॅन्टिक गाणी आणि खूप काही वेगळं सगळ्यांना पाहायला मिळणार, पण ही गाणी करताना तुमच्यासाठी काय चॅलेंजेस होते, काय वेगळं आहे, म्हणजे प्रेक्षकांनी गाणी का ऐकावी याबद्दल काय सांगाल. सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं इस फिल्म के लिए नॉन मराठी हूँ, मुझे मराठी बिल्कुल नहीं आती है. और यही एक चैलेंज था मेरे लिए कि एक तो ऐसा गाना बनाना, रोमांटिक गाना सेडक्शन ना हो, और उसमें मतलब ये भी वर्ड्स होने चाहिए कि एकदम प्यारे वर्ड्स हो. तो ये एक मेरे लिए चैलेंज था. प्लस मेरे सिंगर जो हैं वो सब नॉन मराठी हैं और उनके लिए भी एक चैलेंज था कि इतना वर्ड्स के साथ इतना अच्छा खेलना और इतना अच्छा गाना बहुत ही मुश्किल था. बट हमने निभाया, सर ने हमें बहुत दिया है कि भैया आप ये काम करें, हम आपके साथ हैं. अमोल जी ने भी बोला है तो ये काम हो गया. थैंक यू. मैं एक बार सब सिंगर से यहाँ पर आने के लिए विनंती करूँगा. अरुण देव, लव पोदार, अरुण मनाली, अरुण चाटे नहीं आए हैं, गौरव चाटे नहीं आए हैं, तो ये सब टीम है. ये टीम हमारे साथ कहीं ना कहीं हर फिल्म के अंदर में किसी ना किसी प्रकार से जुड़ी हुई रहती है. और काशी जी का इनके ऊपर में बहुत आशीर्वाद है और उन लोगों का भी काशी जी के ऊपर में बहुत आशीर्वाद है. और मुझे पूरा यकीन है इसका जो म्यूज़िक बना हुआ है ये म्यूज़िक आपको बहुत पसंद आएगा. जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार उतने यानी उतना आपको अच्छा लगने लगता है, आपके कानों में गुनगुनाने लगता है. अभी हम एक जब भी दूसरा हमारे नेक्स्ट गाना जब भी होगा तब आप उसको भी देखेंगे, वो भी एक धमाल चीज़ है. कि मैं इसके लिए बहुत बहुत सबका शुक्रिया करता हूँ, अदा करता हूँ. थैंक यू वेरी मच. सब नॉन मराठी में चाहूँगा कि ये भी इतने बोले अबाउट इनके साथ क्या चैलेंजेस हुए गाने के लिए. और हर एक जना मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करूंगा, हर एक जना थोड़ा थोड़ा सुना है. नमस्कार.
जैसा कि सुशील सर ने बोला कि काशी सर का हम लोगों पर बहुत आशीर्वाद रहा है और इसीलिए हम लोग ये गाने गा पाए इवन बीइंग नॉन महाराष्ट्रियंस. तो सबसे ज़्यादा हेल्प हम लोगों को जो मिलती थी वो लिरिसिस्ट की मिलती थी जिससे हमारे प्रोनाउंसिएशन ठीक हो पाए, और कंपोजिशन के लिए तो काशी सर का ही कर ही देते थे. तो ऐसे ही हम लोगों ने कोशिश करके अच्छा गाने की कोशिश तो की है, अब बाकी आप लोगों को पसंद आए बस. अरुण और हमारा एक डुएट है तो हम लोग वो साथ में गा लेते हैं. नमस्कार सभी को, मेरा नाम अरुण देव यादव है और अब धीरे धीरे आधा और पूरा हो जाऊंगा मराठी कुछ महीनों में और सालों में. तो बहुत सौभाग्य की बात है हमारे हम सबों के लिए और बहुत कुछ सीखने को मिला. अमोल सर बहुत बहुत धन्यवाद, सुशील सर आपने इतने बड़े फिल्म का हिस्सा बनाया और मराठी फिल्म में जुड़ने से हमें बहुत गौरव और बहुत प्राउड फील करते हैं हम कि यहाँ आके भी और मराठी गाने में मराठी गानों में भी हमने अपना एक पहला कदम रखा. तो थैंक यू सो मच एवरीवन, पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं. ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा मस्त है और फिल्म बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होगा. तो ज़्यादा बोल के नहीं और एक दो गाने में हेरा फेरी का टाइटल सुन कर प्लीज़ क्षमा कीजिएगा अगर थोड़ा भी गलती हो. गड़बड़ 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 भक्ति गड़बड़ गड़बड़ ए गड़बड़ 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 भक्ति गड़बड़ मेरी हीरा फेरी रे पैसा साठी हीरा फेरी रे ए ए ए हीरा फेरी. तालियां बजाइए. ए पैसा साठी हीरा फेरी रे पैशाचा चोरा वरती मोर नको त्याला फरक पडते जो उगा भक्त्याचा रिशाच. अरे हाय काय अरे नाय काय अरे हाय काय नाय काय पैशाची किम्या न्यारी रे रे रे. अरे हाय काय नाय काय पैशाची किम्या हीरा फेरी रे ए पैशाची हीरा फेरी रे. धन्यवाद. लव पोदार और मैं सर को भी बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ और सुशील सर का और काशी सर का. तो मेरा एक रोमांटिक सा गाना है और वो भी डुएट. हाँ तो मैं एज एन आर्टिस्ट समझता हूँ कि हमारे लिए हर एक लैंग्वेज में गाना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है, स्पेशली हिंदी तो हमारा है ही. तो उसके अलावा मैं हर लैंग्वेज को गाते वक्त हमेशा उसको एक चैलेंज के रूप में लेता हूँ और अगर उसमें हमारे टीम का बहुत बड़ा सहयोग हो जाता है, काशी सर का और हमारे लिरिसिस्ट साहब का, तो उसमें हमें बहुत हेल्प मिल जाता है. तो मैं दो लाइन सुनाना चाहूंगा. भेजले स्पर्शाला ठंगी तो जीगा ओठानी ओठाना शिलकाओ नागा स्वसाना श्रसाची सलगी हो देना ये साजनी आज के भर सुनी जीव मद होश है वेड़ा पिसा. थैंक यू सो मच. थैंक्स सर. नमस्कार सर. दिग्दर्शक अमोल विटकर सर. एंकर मीडिया फोटोज आणि व्हिडिओज. म्युझिक टीम काशी सर. मी चित्रपटाच्या संपूर्ण टीमला विनंती करते की मज्जा येण्याची. अरे यार ए बाबा तो बनो करो चित्र सामने देखिए या समोर बघा हेच दिया था शूटिंग मध्ये बड़ा इजी गाली.
सिंगल से जाना चाहूंगा, किस तरह का चैलेंज था आप लोगों के लिए? चैलेंज से ज्यादा एडवेंचर था, और चैलेंज भी था, बट मराठी भाषा इतनी प्यारी भाषा है। हम यहाँ मुंबई में रहते हैं, मेहनत कर रहे हैं और तमाम अलग अलग तरह की भाषाओं में गाना गा रहे हैं, तो मराठी एक बहुत ही प्यारी भाषा है। हम आम डेली लाइफ में भी जब यहाँ वहाँ जाते हैं तो मराठी सुनने को मिलता है और सीखने को मिलता है। तो इस फिल्म का एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन रहा, जिसमें काशी कश्यप सर ने अपने बहुत ही प्यारे कॉम्पोजिशन का हिस्सा हमें बनाया और साथी कलाकारों के साथ बोले हैं मराठी सीखी और इसका हिस्सा बने थे हीरा फेरी का। इसके पहले भी हमने बोल हरी बोल मराठी फिल्म में पहला हमारा गाना है, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। सुशील सर, अमोल सर, सबों का साथ था, उन्होंने करेक्शंस बताए लिरिक्स में, कहाँ कहाँ हम कहीं कमजोर पड़ रहे थे तो वो उन्होंने करेक्ट किया। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ट्रेलर बहुत ही प्यारा है और बहुत एक्साइटेड है हम इस फिल्म के लिए। तो इसमें टाइटल ट्रैक गाया है हमने और भी साथी कलाकारों के साथ और भी सारे। My question is, you have been remained associated with Ultra since their first film from 1.5 years. Yes. So, what is the one thing that makes you feel Ultra is our own home, or what is the one thing that makes you work with them? Ultra is a very very prestigious name, और हम बचपन से Ultra के बारे में उनके गाने उनके फिल्म सुनते आए हैं और उस बैनर तले खुद काम करना और संगीत का हिस्सा बनना अपनी टीम के साथ, जिसको इतने सालों से सर जैसा कह रहे हैं सुना है हमने बचपन से, तो Ultra के साथ जुड़ के Ultra के साथ अपना भी नाम जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। सो इट्स अ प्रेस्टीजियस मोमेंट फॉर अस। आप लोग भी क्या कहना चाहोगे Ultra के बारे में सर, जो आप भी जुड़े सर के साथ क्या कहना चाहेंगे? वैसे काशी सर के साथ में तो हम लोग काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं, सो वी ऑल वर्क एज अ टीम, लेकिन Ultra के साथ में ये हमारी दूसरी फिल्म है। सबसे पहले थी बोल हरी बोल और अभी ये दूसरी है हीरा फेरी। इसमें दो गाने हैं हमारे, एक टाइटल ट्रैक है और एक बहुत ही एडवेंचरस और मज़ेदार गाना बनाया काशी सर ने, तो सेकंड वाला वो गाना है। तो Ultra के साथ में जैसे सब लोग हम लोग हमेशा से देखते और सुनते आए हैं Ultra के गाने, तो इसके साथ में एसोसिएट होना इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग थिंग एंड ह्यूज थिंग फॉर अस, एंड आई जस्ट फील वेरी फॉर्चुनेट फॉर दैट। आप क्या कहना चाहेंगे आपके गाने के बारे में बताइए? हमने देखा बहुत ही विजुअली बहुत अच्छा लग रहा है और आवाज़ भी बहुत अच्छा लग रहा है गाने में, थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत ही अच्छा रहा। ये मेरी फर्स्ट मराठी फिल्म है एज ए सिंगर और मुझे रोमांटिक गाना गाने को मिला, सो थैंक यू सो मच सर। काशी सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया बिकॉज हम लोग बहुत पहले से हम सर के साथ एसोसिएट हैं बहुत पहले से, और Ultra के लिए था तो हम तो बचपन से बहुत ही सुन रहे हैं, तो ये बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है एज ए सिंगर। हम हमेशा चाहते हैं कि ग्रो करते रहें लाइफ में एज ए सिंगर एज एन आर्टिस्ट, और हर तरह के लैंग्वेज की कोई बैरियर नहीं होनी चाहिए बिकॉज एज एन आर्टिस्ट, तो ये बहुत ही सीखने का मोमेंट था बिकॉज डिफरेंट लैंग्वेज स्पेशली मराठी, हम जिस शहर में रह रहे हैं और उस शहर की भाषा को अगर गा रहे हैं और सीख रहे हैं तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। क्या क्या चैलेंजेस थे एज ए सिंगर? स्पेशली प्रोनाउंसिएशन और लैंग्वेज का था, तो वो हमने प्रैक्टिस कर करके सर ने करवाया एंड इट्स वेरी हेल्पफुल, बहुत बहुत अच्छा था वो। मराठी लैंग्वेज को कितना सीख पाए आप लोग, मतलब अभी तो आप स्पेशली बोलना चाहेंगे कि सीखने की जो वो चाहत होती है वो जितना आप आगे बढ़ेंगे कुछ ना कुछ उसमें सीखते ही रहना पड़ता है, तो वो कमी नहीं होना चाहिए हमारे लाइफ में कभी भी लाइफ में। टू ऐड टू इट, हम लोग महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो मराठी में गाना हैज़ ऑलवेज बीन वेरी स्पेशल, और मराठी ऑडियंस के लिए गाना तो हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था और बहुत स्पेशल भी था। तर आता थोड़ा थोड़ा बोला लगे थे हमारा। ओके हा चौथा सिनेमा माझा हीरा फेरी बद्दल सांगेल, हीरा फेरीच्या आधी जस्ट अगोदर
मी सोनी मराठीवर नवरी मिळे नवऱ्याला हा शो करत होतो. त्याचे डिरेक्टर अमोल बिडकर सरच होते. त्या शोमध्ये आम्ही दारूचा सीन सोडून सगळं केलं. म्हणजे आम्ही फाईट सिक्वेन्सेस केले, आम्ही गाणी केली, आम्ही रोमॅन्स केलं, आम्ही फाईट ड्रामा होता त्यात. त्यात हिरोला जेवढं काही करायला करायचं असतं स्क्रीनवर ते सगळं मला अमोल सरांनी करायला दिलं होतं. आणि त्या दरम्यान सीन्स थांबलेले असायचे, त्या दरम्यान आमचं असं बोलणं व्हायचं. तेव्हा डिस्कशनमध्ये असं होतं की एक फिल्म तो बनत आहे आणि लवकरच ती बनली आणि तयारच आहे. तर टू आन्सर युअर क्वेश्चन, सगळ्यांना हसायला खूप आवडतंच ना, म्हणून मला हसवायला आवडतं. नाही, हा सब्जेक्ट जो आहे तो एकदम डिफरंट आहे. याच्यामध्ये कोणत्या दुसऱ्या सब्जेक्ट बरोबर इन्स्पायर होण्याचं काही कारण नव्हतं. आणि टायटलही जो ठेवलेला आहे तो फिल्मची जी रिक्वायरमेंट होती त्याप्रमाणे टायटल ठेवलेला आहे. तोही सुद्धा कोणत्याही टायटलशी इन्स्पायर झालेला नाही आहे. आणि जेव्हा फिल्म बघाल तेव्हा माहिती पडेल की हा ही एकदम वेगळी स्क्रिप्ट आहे, ओरिजिनल स्क्रिप्ट आहे आणि कोणत्याही दुसऱ्या फिल्म पासून इन्स्पायर झालेली नाही आहे. आय थिंक यू वुड लाईक वाटतं. बाकी आणखी कोणाचे काही प्रश्न नाही आहे, कारण एवढं मी बोललेलो आहे पहिले की सगळ्या क्वेश्चन्सचे आन्सर पहिलेच भेटले असते. तर थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू.